भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं का किया पुतला दहन एवं जमकर की नारेबाजी। गांव प्रखंड गांवा बाजार स्थित दिन रविवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने डबल इंजन की सरकार में पर घोर निंदा करते हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर हो रहे आदिवासी दलितों पर अत्याचार का विरोध कर जमकर नारेबाजी की। बताया कि आजाद भारत में जब देश में अमृतकाल चल रहा है, डबल इंजन की सरकार वाले राज्य में मध्य प्रदेश की सीधी में भाजपा के एक गुंडा द्वारा एक आदिवासी नागरिक के मुंह पर पेशाब किया गया। इस घटना ने देश और लोकतंत्र को झकझोर के रख दिया है। उक्त बातों को लेकर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस घटना से पूरे देश के नागरिकों में भाजपा के खिलाफ काफी आक्रोशित कर दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करने आते हैं और 3 दिन बाद ऐसी घटना घटती है कि एक आदिवासी युवक के मुंह पर मूत्र विसर्जन कर देता है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। बिना देर किए लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की सड़कों पर उतरने की जरूरत है। मौके पर विन्नी मुखिया चंदन यादव, अशोक मिस्त्री, अमित वर्णवाल, पवन यादव, प्रदीप यादव, पिंटू साव, रंजीत राम आदि मौजूद रहे।